नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपका ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके रिलेट थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आप कई सारे लोग हमें कमेंट भी कर रहे हैं, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है उस समय अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन निकाल के आपको देता हूँ। और दोस्तों, आप कई सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर हैं, वो हमारी फैमिली की तरह है, उससे फैमिली के रिलेटेड ही मैं आपसे बातचीत करता रहता हूँ। और दोस्तों, आज की ये वीडियो एक CMY के बड़ा वाला सेटअप, जो CMY के कलर का एक बड़ा सेटअप आ जाता है, उसके बारे में वीडियो होने वाली है। आप में से कई सारे लोग से बात होती है तो मुझे बता रहे थे कि सर, आपने ब्रांड न्यू कलर मशीन के बारे में तो बता दिया, आप हमें जो इंडिया में ज़्यादातर RC मशीन चलता है, तो हमें बहुत ही बड़ा RC मशीन जो ज़्यादातर कलर का वर्क रहता है, तो उसके बारे में बता दीजिए। तो दोस्तों, आज ये बेहतरीन सा मॉडल जेरोक्स 7435 के बारे में बात होने वाली है। इसकी आज पूरी बात होती है, इसमें टोनर क्या चलता है, इसकी ड्रम क्या है, इसमें कौन कौन से पेपर यूज़ होने वाले हैं और कौन कौन से इसकी प्रिंट कॉस्ट क्या है, हमारे कौन सा टोनर यूज़ करना चाहिए और हमारे लिए ये मशीन क्यों अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना। इससे जो पहला वाला मॉडल आता था वो 7345, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपको बना दिया था। वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों, जेरोक्स 7435 के बारे में बात करें तो ये ऑल इन वन वाला एक बेहतरीन सा सेटअप है। दोस्तों, आपने 7345 का तो वीडियो देख लिया होगा, तो इसमें जो ज़्यादा अच्छा आता है उसके बारे में आज वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इसमें ऑल इन वन का आपको सेटअप मिल जाता है, आप इसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी ये सब कर सकते हो। इसमें आपको एक बेहतरीन सा ADF का सेटअप मिलता है। ये ADF को, ये जेरोक्स मशीन को आप कंप्यूटर में कनेक्ट करके ये ढेर सारी जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो स्पीड में आप कलर स्कैन इसमें कर सकते हो। और इसमें कलर स्कैन पेपर साइज की बात करें तो आप इसमें A4 से A3 तक कोई भी पेपर इसमें स्कैन कर सकते हो। इसमें फ्लैट बेड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप फ्लैट बेड स्कैनर से भी इसमें स्कैन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने इसमें एक बेहतरीन से LCD वाली इसमें टच पैनल मिल जाती है, जो ढेर सारा हमारा वर्क कम कर देने वाली होती है। दोस्तों, इसकी पेपर साइज की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रिंट पेपर साइज आप कर सकते हैं, आप इसमें 4x6 से लेके A4, A3 लीगल और 12x18 तक इसमें आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इसकी पेपर, इसमें कौन कौन से मीडिया आप चला सकते हैं, आप इसमें ग्लोसी, मैट, प्लेन पेपर, बटर पेपर, आप जो भी फोटो पेपर, इनवलप, जो भी इसमें लेना चाहो सब इसमें निकाल सकते हो। और दोस्तों, इसकी ट्रे की बात करें तो इसमें आपको 4 ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, इसमें आपको पहली और दूसरी ट्रे बड़ी वाली आ जाती है, और तीसरी और चौथी ट्रे होती है वो A4 साइज वाली आ जाती है। दोस्तों, 7345 में आप 12x18 सिर्फ बाईपास से ही निकाल सकते हो, लेकिन ये 7435 जो मॉडल आता है उसमें 2 ट्रे में आप 12x18 सीधा ट्रे से कॉपी निकाल सकते हो, ये बेहतरीन सा ऑप्शन है। दोस्तों, इसमें आपको बैक टू बैक डुप्लेक्स का ऑप्शन बेहतरीन सा मिल जाता है, आप कोई भी साइज इसमें एक ही बार में दोनों साइड निकाल सकते हो। और दोस्तों, इसकी आगे की बात करें तो इसमें बेहतरीन सा आपको फिनिशिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आप एक साथ कई सारा 2, 3, 4, 5, 10, 20 सेट करना चाहो तो ये मशीन अपने आप सेट कर देती है, और आपको सिर्फ इसमें पिनिंग या फोल्डिंग ही करना होता है। ऐसे कई सारे फिनिशिंग ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। दोस्तों, इस मशीन की कनेक्टिविटी की बात करें तो ये लैन से कनेक्ट हो जाता है। हमारे ज़्यादातर जो कॉरपोरेट में यूज़ होता है, कई सारा ढेर सारा कंप्यूटर होता है, वो सीधा एक मशीन में सभी कंप्यूटर उसमें प्रिंट निकाल सकते हैं, वो लैन का ऑप्शन होता है, ये लैन का ऑप्शन इसमें चल जाता है।
दोस्तों ये CMYK मॉडल है, कलर मॉडल है, तो इसमें चार तरह के टोनर आपको मिल जाते हैं, CMYK, C4 Cyan, M4 Magenta, Y4 Yellow, K4 Black। ये चार तरह के पाउडर बेस इंक आ जाती है। हम इसके इंक बोलते हैं जो हमारा प्रिंटर होता है उसमें इंक जो लिक्विड बेस यूज होती है, और इसमें पाउडर बेस जो इंक आ जाती है, जो पाउडर बेस हम टोनर भी इसको बोलते हैं, वो CMYK आ जाता है। इसी तरह के CMYK आपको चार ड्रम भी इसमें मिल जाते हैं। इसकी ड्रम भी कॉस्ट कहीं ज़्यादा नहीं है, 700-800 में इसका ड्रम आपको मिल जाता है। और दोस्तों इसके आगे की बात करें तो ये जो डेवलपर वाला मशीन आ जाता है इसके लिए ये इसकी क्वालिटी भी बेहतरीन है। आप यहाँ देख सकते हैं 1200x1200 DPI में इसकी प्रिंट रिजोल्यूशन आ जाती है, एक फोटो प्रिंटर जैसा इसका रिजोल्यूशन आ जाता है। अब दोस्तों इसकी मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो इसमें एक बेहतरीन सा जो जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट मशीन में ड्रम आ जाता है वैसे ही इस मशीन में IBT आ जाती है, जहां आप देख सकते हैं ये IBT इसका मेन पार्ट्स है। इसमें ये जो टोनर आ जाता है वो ड्रम से सीधा IBT पे आता है, IBT से पेपर से लेके इसमें एक बेहतरीन सा हीटर यूनिट भी आ जाता है। हीटर यूनिट के जरिए हमारे ब्लैक एंड व्हाइट मशीन में जैसा हीटर यूनिट आता है वैसा ही टाइप का, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, वैसा हीटर यूनिट इसमें आ जाता है और हीटर यूनिट से कॉपी बाहर निकल जाती है। दोस्तों ये वैसे तो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट जैसा ही सेटअप है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसमें ये कलर का सेटअप है। दोस्तों इसके IBT की लाइफ के बारे में बात करें तो ये आपका मशीन ज़्यादा चलता है तो IBT कम चलती है, और आपका मशीन कम चलता है तो IBT ज़्यादा चलती है। वैसे इसकी IBT अच्छी आ जाती है और IBT की लाइफ भी ज़्यादा है। अब दोस्तों इसकी मेन बात इसकी कॉपी कॉस्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस मशीन की अच्छी बात बताऊँ तो हमने 7345 का मॉडल देखा था, उससे कई सारी अच्छी प्रिंट ये 745 में लग जाती है। ये 74 में सबसे बेहतरीन सी प्रिंट आ जाती है। अब इसकी कॉपी कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसमें आप ओरिजिनल टोनर यूज करते हो तो 3 रुपये से 7 रुपये तक इसकी प्रिंट प्राइस लग जाती है। अब दोस्तों इसमें आपको कॉपी कॉस्ट कम करने के लिए कौन सा टोनर यूज करना चाहिए वो जानना चाहते हैं, कौन सा कंपेटेबल टोनर यूज करना चाहिए वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। दोस्तों इस मशीन की प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, इसलिए मैं ये कमेंट में पिन करके दे देता हूँ। और दोस्तों आप इसकी करंट प्राइस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। और दोस्तों आज ये कलर 7435 का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कहीं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।